अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव की 150वीं जयंती के मांगलिक अवसर पर आयोजित इस सभा में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे स्वामी विश्वात्मानंद जी, स्वामी विश्वदेवानंद जी, स्वामी विनिर्मलानंद जी, स्वामी धरणीधरानंद जी, स्वामी रुद्रेशानंद जी, ब्रह्मचारी अखंड चैतन्य जी और श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम से जुड़े यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं सर्वप्रथम आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस स्थान पर पाकर अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। बिना पुण्य के परिपाक हुए किसी के धर्म मार्ग में रुचि नहीं होती, कोई वहाँ पहुँचता नहीं है। मैं तो इसको ऐसे ही मानता हूँ कि सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ये आश्रम सर्वप्रथम गुरुवर की स्मृति में जो पहला आश्रम बना वो काशी में बना और उसके बाद दिग्दिगंत में उनकी कीर्ति से सभी परिचित हुए और सभी आलोकित हुए। मैं इस अवसर मुझे याद है मेरे गुरु ने मेरा परिचय करते हुए बताते हुए कहीं, ये सौभाग्य ही था, उन्होंने कहा तुम ये श्लोक पढ़ो अपने लिए तुम्हारे लिए, वैसे उनका लिखा हुआ नहीं था, सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन ज्ञानवान यशस्वी वंश पुण्येन आत्मपुण्येन भाग्यवान। यदि हम भगवान श्री रामकृष्ण जी के जीवन चरित्र को देखते हैं तो उनके माता पिता को, माता जी को गया में स्वप्न हुआ कि श्री विष्णु जी मेरे गर्भ में आ रहे हैं, अब वो साकार होना, उनका जन्म वहां होना और उनको विष्णु का ही नाम देना, गदाधर नाम देना, ये तो देखिए माँ का पुण्य और पिता का संस्कार कैसे बच्चे में आता है। सबको पता है उनके गांव के जो जमींदार थे उन्होंने कहा ये आप बोल दीजिए सब लोग मान लेंगे। उन्होंने कहा अरे भाई झूठी बात है, असत्य का तो साथ मैं नहीं दे सकता, तब तो इस गांव में रह नहीं सकते, कोई बात नहीं मैं गांव ही छोड़ दूंगा। अब इस तरह उन्होंने अपनी जन्मभूमि अपना वो गांव छोड़ा, पिता श्री खुदी राम जी ने डेरेपुर छोड़ना पसंद किया, स्वीकार किया, पसंद तो कोई कैसे करेगा लेकिन स्वीकार किया, दो विकल्पों में सत्य को चुना और दूसरे गांव में आकर के कमरपुकुर में जा करके बसे। बहुत छोटी आयु 7 वर्ष की आयु में हम लोग ककारा सीखते हैं, उस आयु में उनके पिताजी का देहांत हो गया और अपने भाई के साथ और श्री राम कुमार जी के साथ दक्षिणेश्वर पहुंच गए और उनके बड़े भाई श्री राम कुमार जी उस मंदिर के मुख्य पुजारी हुए दक्षिणेश्वर काली जी की, और उनके भी जाने के बाद ये स्थान स्वतः श्री रामकृष्ण जी के पास आ गया। लगता है ऐसे शक्तियों का समुच्चय होना और शक्तियां भी प्रकृति में पहचानती हैं कौन योग्य है, कहाँ उसको जाना चाहिए, तो इस तरह से वो वहां के मुख्य पुजारी बन गए। उनके जीवन को अगर हम देखें तो सब सचमुच अलौकिक ही लगता है। यही ज्ञात होता है दो तरह से उनको शिक्षा मिली, ब्राह्मणी भैरवी ने उनको तंत्र की दीक्षा दी और तोतापुरी महाराज ने अद्वैत वेदांत का ज्ञान कराया। हम सब लोग जानते हैं उनकी तो अवस्था हमेशा जीवन मुक्त वाली अवस्था थी और ये नया नामकरण संन्यस्त होने के बाद उनको ये नाम श्री रामकृष्ण परमहंस जी मिला। अभी अभी मेरे संस्कृत वक्ता बहुत प्रबुद्ध विद्यार्थी, मैं मुझे लग रहा था ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, तो उनको गोल्ड मेडल मिल रहा था, मैं उसका साक्षी था और आपने देखा कैसे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कैसे भगवान श्री रामकृष्ण सभी धर्मों में एकता की बात करते थे, यतो मत ततो पथ,
इसी को उनके प्रधान शिष्य विवेकानंद जी ने बहुत विस्तार से, जैसे सभी नदियां समुद्र को जाती हैं, ये बात तो बार बार कही गई, लेकिन किसके मुख से आती है और वह प्रमुख हो जाती है। सत्य तो सब जानते हैं, लेकिन कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है, इसका असर बहुत पड़ता है। तो स्वामी जी का स्वयं कहना था, मैं तो नई बात यहां कुछ कह नहीं सकता, आप सभी तो यहां मर्मज्ञ हैं, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, ज्ञान में तो बहुत ही छोटा हूं, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ करके दूसरों से सुन करके जाना, उसमें से दो चार बातें अध्यापक रूप में हूं उसको आपसे शेयर करता हूं कि वो कहते थे जैसी जैसी भावना होगी वो वैसा बन जाएगा। यो या श्रद्धा सैव सा, जितनी श्रद्धा जिसकी होगी, जो बनना चाहता है वो वही बनेगा। प्रकृति की सारी शक्तियां, आप अच्छे मार्ग पर चलोगे तो उसके लिए भी बहुत सारी शक्तियां हैं आपको, हमें सहायता करती हैं, और दूसरे मार्ग पर चलिए तो उस पर भी। और स्वामी जी तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते, इसीलिए बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि किधर जाना है, जहां जाना है एक कदम से चलो, लेकिन देख करके चलो। हम सब लोग जानते हैं, बड़ी भ्रांति है कि हम डिग्री ले लेते हैं तो विद्वान हो जाते हैं, है वह नहीं। ऐसा होता तो इतनी प्रशस्त परंपरा भारतवर्ष की 5000 वर्षों की है, कितने संत जिनको हमें पता है वो तो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, किसी ने उनको पढ़ाया नहीं, मान लिया गुरु। कबीरदास जी ही लेट गए, कोई गुरु नहीं मिल रहा, उनके मुंह से राम निकला उसी को ले लिया। और जीनी जीनी बीनी चदरिया कहते हैं तो हम लोग सोचते हैं करे कैसे इनको वेद उपनिषद पुराण सबको एक छंद में कैसे वो डाल दे रहे हैं, कहां से इनको मिला। आलोचक कहने लगे तो पचमेल खिचड़ी है, बाद में लगा नहीं खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी तो बहुत बड़ा व्यंजन है, इसमें तो बहुत सारे अच्छे भावों का निचोड़ है। देखिए उन्होंने कोई पुस्तक तो लिखी नहीं, महाराज जी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, ना ही कोई औपचारिक प्रवचन दिया, फिर भी उन्होंने जितनी तरह से, इतनी सरलता से, तो मुझे लगता है बहुत बहुत कम लोगों ने समझाया है, बहुत कम लोगों से। मैं दो चार उदाहरण दूंगा, मैं मुझे याद है काशी विद्यापीठ के दो आचार्यों का एक दिन डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई T.S. एलियट का वेस्ट लैंड पढ़ाते हैं आप, मैं इतनी पुस्तकें लेके जाता हूँ, 10 रेफरेंसेज नोट करता हूँ, तब भी वो आनंद नहीं आता है जो आप पढ़ाते हैं। आप तो कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, बस केवल कभी किताब कभी नहीं रही तो वो भी आपको याद हो जाता है। तो प्रोफेसर वी राय जी ने कहा देखो भाई साहनी, तुम तो विद्वान हो, मैं ज्ञानी हूं। ये उन्होंने हंसी में कहा, और ये बात बहुत सोचने पर समझ में आती है कि नहीं, कौन किस बिंदु को पकड़ करके चल रहा है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं दो तीन उदाहरण आप लोगों के साथ यहां बांटना चाहूं, शेयर करना चाहूंगा, बांटना नहीं, मेरा नहीं है। एक उदाहरण देखिए, वो कहते हैं इतने सहज ढंग से, किस मुझे नहीं लगता किसने कहा है, कितने लोगों ने कहा होगा, छोटी सी बात को समझाने के लिए बहुत बड़ा कह के बताइए, और बाद में लगता है अरे सूत्र कहाँ गया, इसमें असली बात क्या थी। लेकिन श्री रामकृष्ण जी ठाकुर जी हमारे क्या कहते हैं, अरे भाई अथाह सागर में पानी और पानी का बुलबुला दोनों तो एक ही हैं, एक ही चीज है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं, बस फर्क इतना ही है कि ईश्वर सागर की तरह अनंत है और जीवात्मा बुलबुले की तरह सीमित। अभी अभी इन्होंने संस्कृत में जिन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये तो हमारे वेद की वही है, एक ही है जिसको हम लोग अनंत नामों से जानते हैं, वो एक ही है। और लेकिन इस बात को देखिए, जल और पानी, जल के विविध रूप हैं, इसको कितनी तरह से समझाया है, मैंने तो थोड़ा ही देखा, मुश्किल से अगर 200 उदाहरण, शायद अभी 10-20 जगह और इस तरह से कहा होगा। स्वामी जी हैं यहाँ पर, आप सभी हैं। राजा राव जी के गुरु श्री आत्मानंद गुरु कहते हैं अरे वेव्स आर नथिंग बट वाटर, सो इज द सी, समुद्र
भी वही है, नदी भी वही है। बनारस के हमारे बड़े प्रसिद्ध शायर हैं नज़ीर बनारसी जी, हम कहते हैं इन्होंने कहा अभी तीन सभी धर्मों की एकता की बात, ये जो ब्रह्म और जीव की बात हमारे उपनिषदों में वेदों में बाद की परंपरा में इतने तरह से आई है, कितने बढ़िया ढंग से एक शेर में कहते हैं, दरिया में मिल जाऊंगा तो हो जाऊंगा दरिया, सिर्फ इसलिए कतरा हूं कि दरिया से जुदा हूं, अलग एक बूंद देख रहे हो, मिल जाऊंगा तो मैं वही हो जाऊंगा। भवभूत ने उसको दूसरे ढंग से कह दिया, रस तो सारे रसों में तो एक ही रस है, करुण रस, और वहां भी उदाहरण वही दिया, आवर्त बुद्भुत तरंग मयान विकारान, वो जल के अलग अलग रूप हैं, कहीं बुलबुला दिख रहा है, कहीं धारा दिख रही है, कहीं तरंग दिख रही है तो पानी ही, बर्फ क्या है आखिर, घनत्व हो गया तो बर्फ हो गई। प्रसाद जी इसी शहर के जिन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा, शुरुआत ही यही करते हैं, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, क्या देख रहा था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन, जो कहिए जल ही जल है। इस बात को ठाकुर जी ने कितने तरह से कितने उदाहरणों से समझाया, मैं तीन चार उदाहरण आपके सामने और रखता हूं। वो कहते हैं अरे भाई चीनी की मिठाई खाया हो ना, उसमें हाथी बना है, हिरण बना है, कि कप बना है, कि खिलौना बना है तो चीनी ही। अब देखिए मिठाई का रूप अलग अलग है लेकिन उसका मूल तत्व तो चीनी एक जगह, वो कहते मैं पूरा उनका पूरा सेंटेंस ना कोट करके खाली इतना कह रहा हूं, दूसरी जगह वो कहते अरे ये कह रहे हो हाड़ी है, ये मिट्टी का कसौरा है, ये पात्र है, वो है तो सब मिट्टी के ही, मूल तत्व तो मिट्टी ही है, और उसको नेति नेति वाली बात में कहते हैं हाथी और चार अंधे वाली बात। अपने यहां ये भी कहा गया भाई ब्रह्म क्या है पता नहीं चल रही है, नहीं ये नहीं ये नहीं, जो बच गया तो बचा तो कुछ भी नहीं, तो वही है जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो निराकार हो गया, और बाकी है तो सब जगह। इसको मैं दूसरे ढंग से एक जगह और वो कहते हैं गृह स्वामी की बात, अरे भाई घर का मालिक है, नाम तो एक है लेकिन वही पिता भी हो सकता है, वही पति भी हो सकता है, वही भाई भी हो सकता है वो एक ही, मैं अध्यापक हूं। मुझे एक दूसरा उदाहरण उसी से याद आ गया कि हमारे यहाँ तो अनुक्रमांक बहुत बहुत तरह के रोल नंबर्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, आ गए तो एनरोलमेंट नंबर पंजीकरण, पहले एक फॉर्म भरो तो पंजीकृत हो, यहाँ भी आए होंगे तो बहुत सारे भक्तों का भी सर का मेल गया हुआ था कि इसको ऑनलाइन भी कर लीजिए तो आपको दूसरे ढंग से सूचना प्राप्त हो सकती है, अगर एक टेक्नोलॉजी आ गई तो उस तरह से हो सकती है। अनुक्रमांक हो गया, कक्षा का अनुक्रमांक दूसरा हो गया, पंजीकरण तीसरा हो गया, नाम आपका एक हो गया, घर का नाम दूसरा हो गया, बच्चों ने तीसरा नाम रख दिया, मित्र ने किसी और निक नेम से बुला लिया, है तो आप वही, चार पांच तरीके से ठाकुर जी समझाते हैं, अरे भाई है वो एक ही लेकिन जानो चाहे जिस रूप से। और कहते थे बाइबिल की बात और कुरान की बात, बाइबिल में भी देखिए क्या है, सबसे प्रमुख लाइंस में से एक पंक्ति ये है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्निस्ट, मिट्टी से ही बनो मिट्टी में ही मिल जाना, और कोई चला जाता है तो हम ये नहीं कहते वो गए हैं, वो तो गए अब उनकी मिट्टी उठ रही है, जो बचा वो मिट्टी ही है। तो एक बात तो वो ये कहते हैं, फिर दूसरी बात कि इसको देखने के लिए अगर तमाम रूप दिख रहे हैं, साकार रूप दिख रहे हैं, तो उसके पीछे हर कोई नहीं देख पाता है। देखिए भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम, ऐसे नहीं देख पाओगे, मैं दे रहा हूं इस आंख से देखो तो दिखाई पड़ जाएगा। ठाकुर जी हमको वो दृष्टि प्रदान बार बार दिखाते हैं कि इसको ये मत देखो तो सामने दिख रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। अक्सर हम लोग औपचारिक शिक्षा को विद्वत्ता से जोड़ लेते हैं, वो साक्षरता है केवल, जो आधा हिंदुस्तान अभी भी 30% लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारा ज्ञान वहां से आता है, देखिए बहुत बड़ा ज्ञान का हिस्सा वहीं से आता है। तो एक और उदाहरण मैं दे दूं कि
हर पाठ के अंत में छोटे बच्चे से एलकेजी से लेकर के आगे तक ढेर सारे एक्सरसाइजेस दी रहती हैं। अगर उन एक्सरसाइजेस को देखें तो उनके पीछे क्या है, नाउन बदल गया, संज्ञा बदल गई, क्रिया बदल गई, सर्वनाम बदल गया, लेकिन वो स्ट्रक्चर वही है। 10 बार इसका अभ्यास करो, 11वीं बार ये आ जाएगा। इसलिए हर अध्याय के अंत में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो ले दे करके वही है कि भाई ये अभ्यास, तो अभ्यास का भी रोल। ठाकुर जी के गुरु जी ने, तोतापुरी जी ने कहा भाई लोटा मांजते रहना चाहिए। उन्होंने उस बात को माना भी, लेकिन तुरंत कहा लेकिन सोने का हो तो नहीं, सोने का हो तो रोज मांजने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को एक बार क्या, मुझे याद है मेरे गुरु ने एक सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय कहा देखो एक बार में सिद्ध हो जाए सूत्र तो कोई बात नहीं, 3 बार में होगा, 5 बार में होगा, 9 बार में, 11 बार में, अब ये तुम्हारी क्षमता के ऊपर है, या मैं कैसे तुमको बता पा रहा हूँ, दोनों का उसमें मेल है। उन्होंने अपनी विनम्रता में ये बात कह दी, मैं जान रहा था कि मेरे अंदर ही कमी है। तो वो, और हर बात के बाद देखिए इतने पुराण हैं, लेकिन फिर कह दिया जाता है भाई इतनी कितनी कथा कहानी सुनेगा आदमी, तो कहा ना सब मत सुनो, सब में एक ही बात है, अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि भैया दूसरे को अगर दुख हो रहा है तो वो अच्छा काम नहीं है, और दूसरे को सुख मिल रहा है मान लीजिए ये पुण्य है। ये सारे सारे पुराणों का ये निचोड़ हो सकता है। और हम लोगों का देश तो ऐसा है जहाँ कहा जाता है बच्चों से भी अच्छी बातें हैं, बालादपि सुभाषितम्, कोई छोटा बच्चा भी बोल रहा हो, और ठाकुर जी तो हमेशा बाल रूप में ही, उनकी जो इनोसेंस वाला लेवल था, वेस्ट में कई बार ऐसे शब्द आ जा रहे हैं, इनोसेंस को और एक्सपीरियंस को, अपने यहां उन दोनों को अलग नहीं किया गया उस तरह से, लेकिन वहां एक्सपीरियंस में आप नीचे गिरते हो और इनोसेंस में आप ऊपर रहते हो। लैम्ब और टाइगर के माध्यम से बाइबिल में इसको बहुत तरह समझाया गया, लेकिन फिर संत लोग कहें तो बात ही क्या है। और मैं एक केस और जोड़ूं, दूसरी बात जो वो कहते हैं संकल्प शक्ति की, ठाकुर जी का कथन है हमें पूरब की दिशा में जाना है तो हमें ये नहीं, हमें पश्चिम के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए भाई, इधर जाना है तो इधर के बारे में सोचना ही क्यों। अज्ञेय जी हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं, अब मैं चौराहे से आगे निकल गया हूं, अब द्वंद्व समाप्त हो गया है, अब जीवन की राह आसान हो गई है। जब आप एक राह चुन लेते हुए तब जीवन में निर्णय लेना बहुत आसान होता है, जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। देखिए कि जब हमारे यहाँ संकल्प और विकल्प दो शब्द हैं, संकल्प इसीलिए हर किसी भी पूजा अनुष्ठान के पहले हम संकल्प लेते हैं कि अब इस समय और विकल्प नहीं, विकल्प का होना हमें लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन हर विकल्प के पीछे अगर हमें संकल्प दिख रहा है तो समझिए हम श्रेय मार्ग पर जा रहे हैं, नहीं तो फिर प्रेय मार्ग ही रहेगा, ही दुनियादारी में हम फंसे रहेंगे। और एक जगह कर्मयोग और भक्ति योग का मुझे बड़ा अद्भुत समन्वय लगा, उन्होंने कहा यदि हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति भक्ति का भी होना परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। देखिए इसमें एक शब्द मुझे बहुत बड़ा लगा, भक्ति का होना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में आता है इसके साथ आसक्ति मत जोड़िए, और ये बहुत पहले अगर ईशावास्य उपनिषद को हम देखें तो पहला ही मंत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं तो ही नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, तभी 100 साल जियोगे और कर्म का फल चिपकेगा नहीं। वो आसक्ति, ठाकुर जी कहते नहीं आसक्ति नहीं, उसको भक्ति से जोड़ो, कर्म को भक्ति से जोड़ो, और भक्ति को, ये देखिए गीता में भी हुआ दूसरे ढंग से आया, 2000-2500 साल बाद, दूसरे आवाज से 2500 साल पहले, बहुत कम मानिए तब भी उतना, 5000 साल पहले, कर्मणे वाधिकार अस्ते, इस बात को भी उन्होंने कहा ही, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और भक्ति कितने तरह की है, देखिए भक्त का तो एक अर्थ होता बांट देना, आप अपने को तो बांटो,
समूचे कहाँ हो, कैसे बांटोगे? तो एक तो वैधि भक्ति है कि ये ऐसी पूजा, ऐसी अर्चना, ऐसी आराधना, इतने नियम, इतना जप, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और ठाकुर जी तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, प्रेमा भक्ति भी है, रागानुगा भक्ति भी है। वह भक्ति आने पर जैसे माँ बच्चे को, बच्चा माँ को चाहता है, उसमें पाना नहीं है। देखिए माँ इस नाते बच्चे को दौड़ा देख रही, गाय दौड़ी चली जा रही, बच्चे को दबा ना दे तो ये नहीं सोचती किसका बच्चा, अपना है तो भी जी दूसरे का भी दौड़ करके बचाएगी, वो मातृभाव है। और यही बात बच्चे में भी है। और हम आप सबने तो कितनी बार देखा होगा, सुना है कि ठाकुर जी तो बैठे बैठे दो मिनट में अंतर ध्यान हो जाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे और इस तरह से स्मरण करने लगते थे माँ का। तो वैसी भक्ति, प्रत्युपकार वाली भक्ति नहीं कि ये किया तो बदले में ये चाहिए। ऐसी भक्ति का आशीर्वाद जैसा राम ने हनुमान जी को दिया, मुझे तो लगता है ठाकुर जी ने भी विवेकानंद जी को दिया। मय्येव जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतम हरे जनः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। जो कुछ मेरे लिए किया है हनुमान, मैं कभी लौटाऊं ही ना। देखिए हम दुनियादारी के रास्ते में देखेंगे तो लगेगा अरे कितना कृतज्ञ आदमी है भाई, मेरे लिए उपकार किया और कह रहा है कि मैं लौटाऊं ही ना। लेकिन वो कहते हैं तुमको जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लौटाते तो तब हम हमारी किसी कष्ट के समय संकट में मदद की तो हम जब सोचते हैं चलो मौका पड़ेगा तो हम भी करेंगे। आदि कवि कहते हैं जनः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति, जो सोचता है उपकार का बदला उपकार से करेंगे, अनजाने में कहीं वो सोचता है ये भी दुखी होगा तो मैं इसका इसके उपकार का बदला चुका दूंगा। भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं, तुमको तो कभी जरूरत ही ना पड़े, तो जो तुम कहो उसको सब सुने। ये भक्ति वाली दृष्टि है, वात्सल्य वाली दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, स्नेह दृष्टि है, हम तो कहें नजरे इनायत है, इसको और क्या कहें। और इस भक्ति को अगर भजने को हम देखें तो उसके चार अर्थ हैं। हिस्सा बटाना, पहला तो बांट देना, बटाना, घर बटता है बड़ा तकलीफ होती है, दो बेटे हो दो भाई हो गए, भक्त तो अपने को बांटता है। बांटना, साझेदारी करना, जब बांटता है तो अपना अधिकार भी जताता है, नहीं इतने में इतना तो हमारा है, तो अगर भगवान ही हमारे हो गए तो क्या कहना। फिर सेवा करना और अपने को वशवर्ती बना देना। देखिए हम सेवा करेंगे लेकिन आप भाग नहीं पाओगे, ये भाव होना। और फिर अपने को गौण मान लेना कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल गनोगे तो ही। ये तो बहुत बाद में बिहारी जी ने कहा, लेकिन उसके पहले देखिए बंगाल के 16वीं शताब्दी के जो कवि थे जिन्होंने कृष्ण कर्णामृतम में ये लिखा, हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासे पौरुषम् गणयामि ते। अरे हाथ छुड़ा जा रहे हो, बिहारी ने तो उसका सीधा सीधा अनुवाद कर दिया मुझे लगता है, या हो सकता है ऐसा भाव बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से कह सकते हो, बिहारी को ना भी पता रहा हो, ऐसा भाव कोई भी कह सकता है, सामान्य भाव है। तो और एक बात और वो कहते हैं, देखिए निर्मलता की बात कि हम जब निर्मल रहेंगे तभी हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी। वो कहते हैं, उन्हीं का वाक्य है, जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। अब इस बात को तो देखिए, आज हम सोलर लाइट लगाते हैं तो सोलर लाइट को खाली सवेरे पोंछना पड़ता और कुछ नहीं उसमें लगाना, एक बार आपने लगा दिया लेकिन साफ करना पड़ता है, धूल हटानी पड़ती है, अगर धूल नहीं हटी तो फिर उतनी बिजली नहीं बनेगी। शीशे की धूल नहीं हटी तो हमको अपना ही चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। शंकराचार्य जी देखिए विश्व को दर्पण की तरह ही कहते हैं, उसी दर्पण में विश्व दिखाई पड़ता है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं ठाकुर जी कि बिना सत्य बोले तो भगवान को की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य ही भगवान है। लेकिन फिर साथ साथ और भी कहते हैं कि भगवान सभी में है लेकिन सब भगवान में नहीं है,
इसीलिए हम पीड़ित हैं। और ईश्वर हमारी कैसे मदद करता है, संत हमारी कैसे मदद कर रहा, फिर देखिए इतने सहजता से तो किसी ने समझाया नहीं होगा ईश्वर को। कल्प वृक्ष के रूप में देखिए कि जो चाहो सो मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मिल तो जाएगा लेकिन पेड़ के नीचे तो जाना पड़ेगा। भाई पेड़ के नीचे जाओगे तब ना कुछ होगा, इतना कर्म तो करना है। फिर कहते हैं कि वो बड़े स्टीमर की तरह, भगवान बड़े स्टीमर की तरह है, देखिए जाना पड़ेगा तभी पार जाओगे, उसका जो भी मूल्य है उसकी जो प्रक्रिया होगी उसका पालन करना पड़ेगा। कहते हैं बड़े पेड़ के तने की तरह है, नदी में गिर गया बहा जा रहा पकड़ लो पार हो जाओगे। ईश्वर उसकी तरह से भी है, साकार भी है निराकार भी है, सवस्त्र भी है अवस्त्र भी है, लेकिन साथ साथ कहते हैं उपदेश पात्र देख कर ही देना होगा। अपने यहां देखिए प्राचीन परंपरा रही है भारतीय परंपरा, अपात्रे नैव दातव्यम, जो पात्र ना हो, हम लोग तो भोले बाबा की नगरी में हैं वो तो खुश हो जाते हैं, तो जो भी आया लो भाई, बाद में पता चला कि अगला उन्हीं के पीछे पड़ रहा है तो उसके लिए दूसरा उपाय करना पड़ता है उनको। इसी तरह से वो कहते हैं संत लोग भी लोकोमोटिव इंजन की तरह है, देखिए सिद्ध पुरुष पुरातत्ववेत्ता की तरह से है लेकिन अवतार इंजीनियर की तरह से, देखिए अवतार इंजीनियर की तरह से पानी खोद बता देता है, पानी यहाँ यही निकाल लेंगे, आपको हम नया कुआं खोद देंगे, कोई बात नहीं पुरानी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और कह करके मैं अभी सर मैं हो गया ना 5 मिनट ठीक है। वो कहते हैं कि सिद्ध भी कई तरह के होते हैं, स्वप्न सिद्ध है, मंत्र सिद्ध हो, हठात सिद्धि कोई हो जाए, कृपा सिद्धि, नित्य सिद्ध। ये ठाकुर जी का ही उदाहरण कि अरे नित्य सिद्ध तो कद्दू की तरह होता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था पहले कहीं, किसी ने बताया भी नहीं था। फल पहले आ जाता है फूल बाद में, पूरी प्रकृति में तो पहले फूल फिर फल, लेकिन वो कहते हैं नित्य सिद्ध तो कद्दू की तरह है, फल पहले फल फूल बाद में। और वो एक उदाहरण और भी देते हैं, नित्य सिद्ध तो होमा पक्षी की तरह है, जैसे पौराणिक पक्षी है उसका अंडा हवा में ही अंडा दे देता है और धरती पर गिरने नहीं पाता है, बीच में ही फूट जाता है। अब बीच में फूटता है जब तो वो पक्षी का बच्चा छोटा वो धरती पर नहीं गिरने पाता है, वो फिर उड़ने लगेगा ऊपर ही चला जाता है। तो कहते हैं नित्य सिद्ध तो उस होमा पक्षी की तरह से है। अब बाइबिल कुरान सबको उन्होंने पढ़ा और बाइबिल वाला उदाहरण एक देते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं जब उस रूप को मैंने देखा, मेरे एक विद्यार्थी थी जिन्होंने मुझे बनारस के गिरजाघर में बुलाया, वहां की प्राचार्या थी, तो इतने पास से जा करके देखा तो सब बहुत बार था लेकिन वो वहां इतने पास से जाने पर उनकी विशाल मूर्ति और उसमें कीले हैं, हर उंगली में कील, पैर में कील, जो उनको सूली पर चढ़ाए जाने के बाद, तो उस तरह से उसको देख करके लगा इतना इतना कठोर, लेकिन इतने कठोर में से इतनी करुणा का भाव, इतनी सेवा का भाव, प्रभु ये जानते ही नहीं कर क्या रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि वो नित्य सिद्ध जो होता है, वो क्राइस्ट तो नित्य सिद्ध थे, जो नित्य सिद्ध होता है उसको शरीर का कष्ट महसूस ही नहीं होता है। अब उदाहरण वो उससे देते हैं जो हर हिंदुस्तानी जान सकता है, बंगाल का आदमी, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा दीक्षा दी, सिखाया तो पूरे देश को। नारियल का उदाहरण दिया, कहा भाई नारियल हरा नारियल पानी है, फोड़ोगे जब तो टूट जाएगा, लेकिन जब वो सूख जाता है ना, तो सूख जाता है तो फिर वो अपने आप में पूर्ण है, ऊपर से तोड़ोगे तो अंदर वाला समूचे का समूचा ही निकलता है, सबने देखा है, इसको कोई अलग प्रमाण की जरूरत नहीं। वो कहते हैं क्राइस्ट को जब इन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो वो सूखे नारियल की तरह से उनके शरीर को कोई कष्ट नहीं तो शायद ये मुंह से ना निकलता कि ये जानते नहीं प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये क्या कर रहे हैं। मैं एक बात और कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि जो ज्ञान और विवेक की बात,
ठाकुर जी को एक एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध क्या था, साधना करते थे तंत्र की, और वो 14 साल तक उन्होंने साधना की और उनको बुलाया कि हमको शिष्य बना ले ठाकुर जी को। कहा आओ देखो मैं चमत्कार दिखाता हूं। तो कहा क्या चमत्कार? कहा देखो मैं नंगे पर चल रहा हूं जैसे जमीन पर, ऐसे ही नदी में 14 साल में मैंने सीखा है। अरे कहा 14 साल इसके लिए बर्बाद किए? एक धेले की कीमत उस विद्या की, उसके लिए तुमने 14 साल बर्बाद कर दिए? और उसको ऐसा बोध हुआ कि तुरंत उनका शिष्य बन गया। और वो इतने गर्व से कहते थे, इतने कि अरे शिष्य तो सभी हैं, लेकिन सब तारे हैं, अन्य ग्रह हैं, सूर्य तो एक है विवेकानंद, वो तो चमकता ही रहेगा। अब आज देखिए विज्ञान की तरह से देखिए तो सूर्य स्थिर है, धरती घूमती, जिधर घूम करके जिसका मुंह उधर हो जाता है वहां सवेरा हो जाता है। हम लोग तो कहते हैं सूरज डूबा और सूरज उगा, सूरज तो जहां है हम ही लोग घूमते रहते हैं। अब मेरे अंग्रेजी के एक प्रोफेसर आचार्य शिवराम कृष्ण जी हैं, उन्होंने कई पुस्तकें ठाकुर जी पर लिखी और एक पुस्तक में वो कहते हैं कि वो पुष्पक विमान की तरह है, कोई भी पकड़ ले पार हो जाएगा। ठाकुर जी पुष्पक विमान की तरह है, और लेकिन मतिलाल जी कहते हैं कि उनमें इतने तरह के उदाहरण देने की क्षमता है कि कालिदास को भी पीछे छोड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि कालिदास को उपमा के लिए, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्य मागे संति त्रयो गुणाः, ये कहा गया है कि इनकी उपमाएं अद्भुत हैं। कैसे दिलीप ने गाय की सेवा की, जैसे वेदों के पीछे स्मृतियां चलती हैं, श्रुतेरिवार्थम स्मृति रन्नो गच्छत, उस तरह की बात कहना। लेकिन परमहंस जी की बात से ही, मैं गुरुदेव की बात से ही अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो वो कहते हैं कि अरे भाई नमक की गुड़िया, कहा ईश्वर क्या है? कहा अरे जानने के लिए एक नमक की गुड़िया ने कहा कि मैं सागर की गहराई नापूंगी। सागर की गहराई नापूंगी? कहा अच्छा, तो नापेगी तो क्या होगा? बांग्ला में देखिए मापना होता है, है? तो मापना गहराई भी विस्तार भी दोनों, तुम्हारा तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन उनकी गहराई मापने की, उनके भाव संसार में प्रवेश करने की पात्रता पाना ही, उनमें विलीन हो जाना ही सौभाग्य की बात है। आज मेरे एक शिष्य के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में आने का, और इतनी बातें याद करने करके अपने को, मैंने कोई नई बात तो मेरे पास है ही नहीं थी, कुछ है ही नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा में एक चीज़ ये भी है, अरे नया बहुत खोजने का भी नहीं है। एके रामानुजन जी कहते हैं कि ओरिजिनल जो शब्द है, इट इज रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल पर पहुंच जाइए तो वो ओरिजिनल है। उसी अर्थ में इस भाव संध्या में गोते लगाने का मुझे अवसर मिला, मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और इसी तरह का भाव बना रहे इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी लोगों को यथा योग्य प्रणाम अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।